हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, भरथुनी एकादशी का व्रत आने वाला है। 2024 में जो है भरथुनी एकादशी पड़ रही है, 4 मई शनिवार को पड़ रही है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं, चौकी स्थापित करें, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखें या फोटो रखें, भगवान का दक्षिणावर्ती संघ से अभिषेक करें, उसमें जल भरकर पंचामृत डालकर भी अभिषेक कर सकते हैं, और पीले फल है, पीली मिठाई है, पीले फूल भगवान को अर्पण करें, और जो भी भोग लगा रहे हैं आप उसमें तुलसी पत्र जरूर अर्पण करें। भगवान को तुलसी की माला बनाकर पहना सकते हैं। और प्रातःकाल उठकर आपको सर्वप्रथम तो स्नान करना, उसके बाद ये काम करना है, शुद्ध वस्त्र पहने, पीले रंग के वस्त्र पहने तो अति उत्तम है। और जो भी पूजा कर रहे हैं ना, तो व्रत का संकल्प जरूर करें। और इस दिन जो है, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो 10वीं तिथि को ही बाल धो लें, एकादशी वाले दिन बाल ना धोएं, यानी एक दिन पहले धो लें। और श्रीमद् भागवत पाठ आप कर सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, और विष्णु चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। दूसरों की निंदा ना करें, चुगली ना करें अगर व्रत रख रहे हैं, और दिन में बिल्कुल ना सोएं, और मांस मछली और मदरा का सेवन ना करें, ध्रुवपान ना करें अगर व्रत रख रहे हैं, अनाज नहीं खाना चाहिए, फलियां नहीं खानी चाहिए, लहसुन प्याज तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें, तेल का भी सेवन करना वर्जित बताया गया इस व्रत में, शुद्ध घी की बनी चीज़ें आप खा सकते हैं, और साबुन से नहाना नहीं चाहिए इस दिन, और बाल और नाखून तो बिल्कुल ना काटें ना धोएं। अगर व्रत है तो आपको बाल धोना है तो एक दिन पहले धो लें, यानी 10वीं तिथि को आप धो लें। पारण इसका द्वादशी तिथि में करना चाहिए। सेम और मसूर की दाल भी नहीं खानी चाहिए, और पीतल के कलश में थोड़ी सी चने की दाल भरकर विष्णु मंदिर में दान करें, पीला कपड़ा बांधकर, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और पीतल के दिए में शुद्ध घी डालकर एक दिया जला सकते हैं आप, पीली बाती बनाकर। आप सोचेंगे आप पीली बाती कैसे, पीला धागा लेकर बटकर आप जलाएं, इससे भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और पीतल के एक बर्तन में आप चने की दाल रात भर रख दें भिगोकर, और सुबह उठकर अपने हाथों से किसी गाय को खिलाएं, गाय के पीला तिलक लगाएं, केसर से तिलक लगाएं, और पीतल का घी जो है, यानी पीतल के पात्र में एक घी भरकर, मतलब आधा किलो पावर भरकर आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। मंदिर में कैसे दान करेंगे, एक लोटा लें, उसमें घी भर दें, और स्वास्तिक बना दें पीले रंग का हल्दी से, और उसको पीले कपड़े से बांधकर ऊपर का मोड़ा जो होता है वो जाकर श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में, विष्णु मंदिर में भी आप दान कर सकते हैं। पीले फलों का दान कर सकते हैं, चने की दाल है उसका दान कर सकते हैं, पीली सरसों पूरे घर में छिड़क दें, शाम के समय सरसों को बटोर कर बाहर आप जला दें, इससे करके नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और पीला भोजन आप जो है खुद भी प्रयोग करें, घर के मेंबरों को भी खिलाएं, और बाहर भी पीली चीज़ों का दान करें। शरबत दान कर सकते हैं, जल से भरा मटका दान कर सकते हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और तुलसी की माला आती है ना, उसको भी बाजार से लाकर आप भगवान के गले में पहनाने के बाद आप अपने गले में भी धारण कर सकते हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और पीपल है, आपका केले का पेड़ है, तुलसी का पेड़ है, इनको भी आपको जल में हल्दी मिलाकर, कच्चा दूध मिलाकर चढ़ाना चाहिए। शाम के समय दिया जलाएं और पीला तिलक करें इनके, और बाद में इनकी मिट्टी से आप माथे पर भी तिलक कर सकते हैं। जैसे तुलसी पार्क में चढ़ाया, तुलसी की मिट्टी को तिलक माथे से करें, आप तुलसी की मिट्टी निकालें और माथे पर आप तिलक लगा लें, इससे भी आपकी सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। और शाम के समय दिया जरूर प्रज्वलित करें। ऐसे आप पीपल की जड़ों में जल चढ़ाएं, उसकी मिट्टी लेकर अपने माथे पर लगा सकते हैं। इसे कहने का मतलब है, ये सारे उपाय करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और दोस्तों, एक काम और करना चाहिए, नारियल में आप जो क्या करना है, आपको पीला कपड़ा बांधकर उसमें स्वस्तिक बना दें पीली हल्दी से, और मोली से बांधकर पीले धागे से अपनी मनोकामना बोलकर भगवान विष्णु के मंदिर में रखें, इससे शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। शादी में दिक्कतें आ रही हैं तो हल्दी की गांठ लेकर एक पीले कपड़े में बांधकर, पीले धागे में लपेटकर भगवान के आगे अपनी विश बोलकर इसको अपने सदैव अपनी जेब में रखें, इससे भी आपकी शादी के जल्दी योग बनेंगे। दोस्तों, ये कुछ काम है, अगर आप करते हैं तो आपको जो है भरथुनी एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होगा। भरथुनी का मतलब होता है सुरक्षा, यानी चारों तरफ से आपकी रक्षा होगी और आपकी जीवन की प्रत्येक समस्याएं दूर होंगी। और जो व्यक्ति इसका व्रत रखता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, भाग्य उसका तेजी से उधर होता है, जीवन में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि शिव भगवान ने गुस्से में आकर ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया था, तो भगवान शिव को भी श्राप लग गया था, तब उन्होंने भरथुनी एकादशी का व्रत रखा था। भरथुनी एकादशी के प्रभाव से जो भगवान शिव को श्राप लगा था ना ब्रह्मा जी का सर काटने का, तो वो भी मुक्त हो गया था। एक कहानी और आती है कि नर्मदा नदी के तट पर मंदाता नाम का एक राजा रहता था, जो बहुत ही भगवान विष्णु का प्रिय भक्त था, दिन भर पूजा पाठ किया करता था, तपस्वी था। वो ध्यान योग में एक दिन बैठा था तो एक जो भालू आकर उसका पैर काटने लगा, लेकिन वो राजा इतना भगवान विष्णु की पूजा में मग्न था, वो सोचा अगर मैं इसको हटाऊंगा तो मेरी पूजा भंग हो जाएगी। तो उसने सोचा कि मैं भगवान विष्णु से ही पूजा करके मन ही मन उनका ध्यान करूं, स्मरण करूं। तो उसने ऐसे ही किया, भगवान विष्णु से कहा, हे भगवान, आपकी पूजा में विघ्न डालना, भालू मेरे पैर को काट रहा है, आप हटाओ। इतने में भगवान विष्णु प्रकट हो गए, भगवान विष्णु ने भालू को मार दिया। फिर उन्होंने कहा, ये भालू जो है
पुराने कर्मों का जो आपका हिसाब किताब था उसको लेने आया था, इसलिए उसने आपका पैर काटा है। लेकिन आप जो है बर्थुनी एकादशी आने वाली, उसका व्रत रखो, उससे आपका जो है जो अंग कटा हुआ है वो सही होगा। तो ये कहानियाँ हैं छोटी छोटी। और इस दिन जो है 12 अवतार की पूजा की जाती है, कहीं कहीं 52 अवतार की पूजा का विधान बताया है, क्योंकि विष्णु भगवान के ही अवतार थे, 52 अवतार भी थे और 12 अवतार भी थे, लेकिन मेरे हिसाब से 12 अवतार होना चाहिए। तो इस समय जो है जो बैसाख महीने की जो एकादशी पड़ रही है बर्थुनी एकादशी, इस दिन आप 12 अवतार की भगवान की पूजा करें। ये एक अवतार लिया था भगवान विष्णु ने। तो दोस्तों छोटे छोटे ये उपाय हैं, अगर आप करते हैं तो आपकी सारी जीवन की समस्याएं खत्म होंगी और आपको पूर्ण जो है बर्थुनी एकादशी का फल प्राप्त होगा। लेकिन शाम के समय आप कथा का श्रवण जरूर करें। अगर इतना नहीं कर सकते तो विष्णु चालीसा है, विष्णु सहस्रनाम का पाठ है, श्री सूक्तम का पाठ है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णुवे नमः कहकर आप जाप करें। केले के वृक्ष की भी पूजा करें, वहाँ पर जाकर चने की दाल चढ़ाएं, हल्दी मिला आप जल चढ़ा सकते हैं और अपनी मनोकामना बोल के पीला धागा बांधते हुए आपको हल्दी की गांठ के साथ एक दीपक प्रज्वलित करना है। दोस्तों शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होंगी। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट से नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।